नमस्कार, मैं हूं राहुल झा। स्वागत है आप सभी का इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी पर आईआईडी का एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री ऑन शुगर केन जूस प्रोसेसिंग बिजनेस। और आज मैं आपको लेकर आया हूं पंजाब राज्य के पटियाला शहर के रॉयलिशियस यूनिट के अंदर। इस यूनिट में हम जानेंगे कि किस तरह से शुगर केन जूस को बनाकर पैक करके हाइजेनिक तरीके से मार्केट में सप्लाई किया जाता है और कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। भारत में आज भी कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक अंश कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों से प्राप्त होता है। गन्ने की बात करें तो इसकी गिनती भारत की प्रमुख नकदी फसलों में होती है। भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। वैसे तो गन्ने की खेती भारत के हर कोने में होती है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी खेती प्रचुर मात्रा में की जाती है। खुद की सेहत को लेके जागरूक हो चुके लोग अब केमिकल युक्त ड्रिंक्स की जगह गन्ने के जूस को प्राथमिकता दे रहे हैं। गन्ने के जूस को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से निकाला जाता है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग नहीं होता। अन्य फलों की तुलना में काफी सस्ता होने के कारण गन्ने का जूस लोगों की पहली पसंद बन गया है। जॉन्डिस पेशेंट्स के अलावा ये लिवर फंक्शन डिसऑर्डर्स और डाइजेशन प्रॉब्लम्स में भी बहुत फायदेमंद है। गन्ने के रस की ठंडी तासीर के कारण गर्मी के मौसम में इसका सेवन शीतलता देता है। गन्ने का जूस तैयार करने के लिए कच्चे माल के रूप में शुगर केन के अलावा लेमन, मिंट, जिंजर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट आदि इंग्रेडिएंट्स भी आवश्यक होंगे। जूस की पैकेजिंग के लिए एम्प्टी ग्लास बॉटल्स और मेटल बॉटल कैप्स भी आवश्यक है। मेरा नाम रिपु दमन सिंह है, मैं डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी कंपनी का नाम रॉयल शुगर केन प्राइवेट लिमिटेड है, जो जो मैंने 2020 में इस्टेब्लिश की है। एंड जो शुगर केन जूस का आइडिया है, जो हमको 2013 में आया था, कि जैसे जनरली आप देखते हो बहुत सारे जूसेस मार्केट में आते हैं, तो हमारी टेबल पे फैमिली के साथ डिस्कशन चल रही थी भी क्यों ना गन्ने के जूस को बंद बॉटल में उतारा जाए, इसको पैक करके। इसको सोच रहे थे भी क्यों ना गन्ने के जूस को नेचुरल तरीके से निकाला जाए। तो गन्ने के जूस की और भी एक दो कंपनीज हैं इंडिया में बना रही हैं, जो हमारी कंपनी है एक ऐसी जो नेचुरल तरीके से इस जूस को मार्केट में लेके आई है। तो हमने 2017 में फिर फूड प्रोसेसिंग एंड डिपार्टमेंट ये टेक्नोलॉजी ली है, तो उसके बाद हम मार्केट में उतरे। उसके बाद हमने इसके ऊपर 2 से 3 साल तक की R&D की है, कभी काफ़ी टाइम इसको जूस को गिराया बनाया, तो उसके बाद 2-3 साल R&D पे लगा के हम मार्केट में आए 2020 में एज अ कंपनी लॉन्च करके अपनी रॉयल शुगर केन प्राइवेट लिमिटेड। गन्ने का रस तैयार करने के लिए सबसे पहले गन्ने को गन्ना विक्रेताओं और बाकी कच्चे माल को उपयुक्त विक्रेताओं से खरीदा जाता है और उत्पादन की आवश्यकता अनुसार कच्चे माल के गोदाम में संग्रहित किया जाता है। सबसे पहले गन्ने को वॉशिंग टैंक में पानी से साफ किया जाता है, फिर क्रशिंग मशीन से जूस निकाला जाता है। इसके बाद रस का फिल्ट्रेशन करके इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं और इसे एक बार फिर फिल्टर किया जाता है। फिर जूस का पैश्चराइजेशन किया जाता है, जिसके लिए इसे वेसल में एक निश्चित समय तक हीट किया जाता है। अब जूस को फिलिंग मशीन की सहायता से बॉटल्स में भरा जाता है, जिसके बाद इसकी कैपिंग करके बॉटल्स को सील कर दिया जाता है। इसके बाद बॉटल्स का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, जिसके लिए इन बॉटल्स को हॉट वाटर वेसल में एक निश्चित समय के लिए हीट किया जाता है और फिर ठंडा करते हुए रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है। फिर इन बॉटल्स पर ब्रांड नेम और डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस की लेबलिंग की जाती है। आखिर में इन बॉटल्स को पैक करके मार्केट में डिस्पैच कर दिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर इस व्यवसाय को 1000 बॉटल्स प्रतिदिन की उत्पादन क्षमता के साथ शुरू करने के लिए लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता होगी, साथ ही 6 से 7 वर्कर्स की भी आवश्यकता होगी। मशीन्स और इक्विपमेंट में आपको शुगर केन वॉशिंग टैंक, शुगर केन क्रशिंग मशीन, पैश्चराइजेशन वेसल्स, फिलिंग मशीन, कैपिंग मशीन, स्टेरिलाइजेशन वेसल्स और लेबलिंग मशीन की आवश्यकता होगी। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए 8 से 10 किलोवाट का पावर लोड कनेक्शन भी चाहिए होगा।
प्रारंभिक स्तर पर आप इस व्यवसाय को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ लगभग 15 से 18 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और इसके माध्यम से करीब 10 से 12 प्रतिशत प्रॉफिट कमा सकते हैं। गन्ने के जूस का व्यवसाय शुरू करने के लिए जो लाइसेंसेस चाहिए वो है GST, उद्यम और FSSAI। इसके अलावा आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं और इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आज ही जुड़िए IID से या फिर विजिट करिए www.iid.org.in पर। IID न सिर्फ आप तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज पहुँचाता है बल्कि उद्यमिता के शिखर तक पहुँचने में आपकी हर संभव सहायता करता है। अगर आप हमसे किसी विशेष व्यवसाय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को डाउनलोड करना और हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया TV को सब्सक्राइब करना न भूलें।